हैं। तू पहली बार चोरी करने आए क्या? दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? अबे बुद्धू, चाबी तो हमने लगाई थी। चल, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे मौसम खराब है, हवा तेज चल रही है, हो गया होगा बंद। लगता है चोर घुस आए हैं। तो क्या करो? अबे मरवा दिया था तूने। तू तो करते घर में कोई नहीं है, तो फिर ये बत्तियां किसने जलाई? मैं अब भी कह रहा हूँ घर पे कोई नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। अबे तो ये बत्तियां क्या भूत ने जलाई? देख डर मत, तेरे पास हथियार है, ऊपर जाके सारा माल बटोर। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? इन सीढ़ियों ने मुझे अभी ऊपर फेंका। मैं भी तेरे सामने इन सीढ़ियों से दौड़ के आया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे तो हमको क्या पता? मोहन देख, मैं तेरे से अभी भी कह रहा हूँ इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। अबे साले ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, पास वाले कमरे में बहुत माल है, जल्दी बटोर और निकल यहाँ से।
माता दी जय 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 माता दी। सुबह सुबह ये चेहरा भी ना देखना पड़े। क्या कहा आपने? मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। अभी के अभी अपने शब्द वापस लीजिए। खतरनाक। मेरी मम्मी जी और मेरे जीजा जी की मम्मी, कृपया करके आज तो अपना एटम बॉम्ब ना फोड़े। क्यों? मोनिशा ने अपनी नेक्स्ट किटी पार्टी की डेट अनाउंस कर दी। मुझे फॉरेन शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। आज तो आज पृथ्वी वापस आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी खतरनाक बात नहीं है। नौने वाले हैं, भांजी की साइकिल रेस शुरू होने वाली है। हा? और आप जानते हैं आज हमारा ये लोकल चैनल उसका सीधा प्रसारण कर रहा है खतरनाक तरीके से। देखना, इस बार भी ना हमारी नियति हमेशा की तरह रेस जीत कर हमें प्राउड फील करवाएगी। बिल्कुल खतरनाक। Welcome to the annual Inter-College Cycling Festival. और इस साल इस रेस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मसूरी के टॉप 10 कॉलेजेस हिस्सा ले रहे हैं। सुमति जल्दी आ, तेरी बेटी की रेस शुरू होने वाली है। नीति की रेस शुरू होने वाली है भाभी, किस वक्त क्या करें? छोड़िए ना, बात भी कीजिए। तो तुम लोग देखो ना, मैं बस ये सैंडविचेस बनाकर आती हूँ, ये भी तो जरूरी है। जरूरी है?
अरे भाभी, आपकी बेटी की रेस से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? और वैसे भी अगर मैं आपको बाहर नहीं लेकर गई ना, तो माँ जी मुझे वापस दौड़ा देगी, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पैरों का जो नेल पेंट है ना, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। गीता, गीता जी, ये जो सैंडविचेस है ना, जरा बाहर ले आना। मैं भाभी को बाहर लेकर जा रही हूँ, रेस का टाइम हो गया। ओके, चलो भाभी, लेट्स गो फास्ट। For family watching the race on TV, इस रेस की एक्साइटमेंट आज 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि हमारी घर बैठी ऑडियंस ये रेस आज अपनी लोकल टीवी पर लाइव देखने वाली है। ये 56, 46, 36 के आगे 52 का टीवी भला कोई कैसे देख सकता है? अरे कार्तिक कहाँ गया? कार्तिक! अरे हाँ पापा, आया आया। अरे पार्थ कहाँ है? पार्थ! हाँ मामा, आ गया। कहाँ हो यार तुम लोग? अरे पार्थ जल्दी आ यार। दादी हटो ना। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, वो अभी पहुँच के बाहर है। भाई मैंने तो नजर उतार दी, अब देख लेना नियति को कोई नहीं हरा सकेगा। On your mark, get set, go! जैसे हम देख सकते हैं, सारे साइक्लिस्ट निकल चुके हैं एकदम स्पीड के साथ, और सबसे आगे निकल रही है मोनिका। कौन लीड कर रहा है? इस रेस की प्रीवियस चैंपियन नियति खन्ना पीछे हैं, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि इस रेस को एक नया चैंपियन शायद मिल जाए। ये मोहन का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बता दूं कि ये रेस अब मिड पॉइंट तक पहुंच चुकी है और मोनिका ने अपनी लीड को बनाए रखा है। मोहन जी कहाँ हो आप? The number you have called is currently not reachable. ये देखिए, ये आ गए हमारी नंबर वन पोजीशन पर मोनिका, और इनके पीछे बारी बारी से सारे साइक्लिस्ट आते जा रहे हैं, लेकिन पिछले साल की चैंपियन नियति खन्ना अब तक कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे नियति कहाँ चली गई? ओ, 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 ओ,
फाइनली नंबर 9 पर एंट्री ली है नियति खन्ना ने। वो काफी पीछे छूट गई है मोनिका से और लगता नहीं है कि इस बार नियति खन्ना अपना ये टाइटल डिफेंड कर पाएंगे। चैंपियनशिप का टाइटल बरकरार रखा है। कांग्रेचुलेशंस नियति, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर अ ट्रू चैंपियन। तो नियति, आपको कैसा लग रहा है और इस सक्सेस का आप किसको क्रेडिट देंगी, ये हम सबके साथ प्लीज शेयर कीजिए। आइए माँ, मेरी सक्सेस का सीक्रेट है मेरी माँ। अरे दीदी देखो, नियति आपके बारे में क्या कह रही है। जहाँ दूसरों की माँ उन्हें ज्यादा लाड प्यार दे के बिगाड़ देती है, वहीं मेरी माँ ने मुझे लाड प्यार तो दिया पर साथ में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट भी बनाया। किसी से कुछ मिलने की उम्मीद ना रखते हुए खुद चीजों को पाना सिखाया। आसान रास्तों की आदत नहीं डलवाई बल्कि कठिन रास्तों को आसानी से पार करना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, तो इस जीत का क्रेडिट भी मेरी माँ को ही जाता है। दिस वन इज फॉर यू माँ, एंड आई लव यू सो मच। देखा, मैंने जो संस्कार सुमति को दिए वही उसकी बेटी में है। अच्छा, जो प्यार मैंने मेरी बहू को दिया वो प्यार माँ बेटी में नजर आ रहा है ना बहू? इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं। गीता, मिठाई। अरे सब गीता, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, अभी ये टूट जाता तो जानती है ना कितना बड़ा सपना है ये साहब का। बेचारी प्रेग्नेंट है। गीता, तुम दीदी की बातों का बुरा मत मानना। ये बात नहीं है दीदी, वो मोहन जी है ना। क्या हुआ तुम्हारे पति को? दादी, मोहन जी कल दोपहर से घर नहीं आए, कुछ पता नहीं चल रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है, हमको बहुत चिंता हो रही है। अरे अगर वो कल दोपहर से घर नहीं आया तो हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। जलसा अभी की प्रॉपर्टी है ना? जी। कल रात वहां एक हादसा हुआ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है।
आई लव यू स्वाति, विल यू बी माइन? आई लव यू टू अक्षत। तू यहाँ क्या कर रही है यार पागल? ये पीछे से आई लव यू आई लव यू क्या है? ये पागल हो गई है क्या? नहीं आते तो अक्षत, काश 18 साल से तुम्हारी आंखें मेरी आंखों को समझ पाती। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? वन सेकंड नीति, आई नो तू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन प्लीज अभी नहीं। तू अभी तक सच नहीं समझ पाया ना? क्या नहीं समझ पाया यार, हम दोस्त है लाइक। सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त दोस्त ही तो है ना हम यार अब तक। अक्षत पहले भले ही ये सिर्फ दोस्ती हो पर मैंने तो सोचा था कि तू मुझसे कहेगा, पर जब मैंने इस लड़की को तेरे साथ देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। पहले चाहे सिर्फ दोस्ती है पर मेरे लिए तो हमेशा से प्यार था ना। आई लव यू अक्षत, आई रियली लव यू। तू ये सब सीरियसली बोल रही है? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं यार नीति। अक्षत तो अब सोचना, मैंने तो अपने सारी दिल की बात तुझे कह दी। तू बता हाँ या ना। अक्षत अभी तो तुम मुझे आई लव यू बोल रहे थे और अब इसके बारे में सोच रहे हो? वन सेकंड, I'm sorry स्वाति। ओह, हमारी दोस्ती कुछ ऐसी है कि मैं नियति की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। You are a cheater। स्वाति। नियति तू रो क्यों रही है यार? देख मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सीरियस मैटर है, तेरे पापा मेरे पापा अगर उन दोनों को पता चल गया तो। नीति रो मत ना यार प्लीज। जल्दी से जलसा आ जा। भैया क्या हुआ? आप फोन पे इतने टेंस लग रहे थे।
अरे यहाँ इतनी सारी पुलिस? कल रात यहाँ चोरी हुई है। चोरी? पुलिस का कहना है कि कोई शंभू नाम का आदमी है इसके पीछे। अंदर आ, चलो। साहब, ये तो टॉर्च मिले घर से और मंदिर के पास से ये मोबाइल, इसे एविडेंस में रखवा दो। जी सर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये फोन तो मोहन भैया का है। इनफैक्ट मैंने ही उन्हें गिफ्ट किया था उनके इनिशियल स्टिकर्स के साथ। ये मोहन कौन है? वो हमारे घर पे काम करते हैं। नहीं नहीं, मोहन जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। सच सच बोलो गीता, कहाँ है मोहन? और ये सब उसी ने किया है ना? नहीं, हम आपसे कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैडम, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे केस में घर के नौकर ही चोर होते हैं। ले चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, माना आपका एक्सपीरियंस सही होगा, बट आप इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि गीता दीदी ही गलत है? नियति, तुम बीच में मत बोल, पुलिस को अपना काम कर। माँ, अगर मोहन भैया ने गलत किया भी है, अगर चोरी की भी है, तो इसमें गीता दीदी का क्या दोष? ये बेचारी तो खुद सुबह से टेंस्ड है, बेचारी प्रेग्नेंट है, इस हालत में इन्हें पुलिस स्टेशन भेजना, इन सबका इनके बच्चे पर भी तो असर होगा। दीदी, नियति सही कह रही है, वैसे भी इतने सालों से गीता ने हमारे घर पे काम किया, अगर पुलिस को कुछ पूछना होगा तो घर पे आके पूछ लेगी। नियति, तुम गीता को लेकर घर चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा मेरे साथ चलो। नहीं थी तो ठीक है, तू वो छोड़ इधर। इस घर को देख, ये कैसा लग रहा है? कैसे? आई थिंक किसी इंसान जैसे। ये आगे की दो राउंड विंडोज थी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान की आंखें। और ये जो सामने का दरवाजा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी राक्षस का मुंह जो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसे जिंदा खा जाए। एंड हू नोज़ कि ये अगर उन दो चोरों को भी जिंदा खा गया। हाँ, हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है कि ये घर अभी तेरी बातें सुन रहा, तेरी बातें सुनकर इसको गुस्सा आ रहा, अभी वहां से एक जीप निकले, तुझे कच्चा जब आ जाए डकार भी ना ले। हो गया। स्टूपिड, तू ना अपनी ये इमेजिनेशन किसी अच्छी जगह यूज कर। यू नो अक्षत, मेरे पापा ने बहुत अरमानों से ये घर डिजाइन करवाया, उन्होंने निर्वाण भैया को बोला भी था कि हम 3-4 दिन में यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पापा का ड्रीम है। राइट निर्वाण भैया? राइट, पर मुझे लगता है कि ये ड्रीम पूरा करते करते ना मेरी बैंड बजने वाली है। यहाँ का काम मेरे लिए आफत बनता जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं होता। टैप लगवाता तो पाइप फट जाता है, और अगर गलती से बल्ब चालू हो जाए ना तो पावर फेल तो पक्का है। एक बात कहूँ, आई एम टायर्ड विद दिस हाउस। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ये घर मेरी जान लेकर ही मानेगा। नियति, पापा तेरी हर बात मानते हैं ना, तो प्लीज उन्हें बोलना कि शिफ्टिंग थोड़ी पोस्टपोन कर दे, थोड़ी पोस्टपोन कर दे, थोड़ी पोस्टपोन कर दे। देख ऑनेस्टली, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा और तब तक मैं इस घर का सारा काम कंप्लीट करवा दूंगा।
देख तू बोलेगी ना तो पापा तेरी बात मान जाएंगे और नाराज भी नहीं होंगे, पर मेरा नाम मत लेना पापा से। ओके भैया, मैं बात करूंगी। एक सेकंड। हेलो, log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com, like us on facebook.com/colorstv, follow us on twitter.com/colorstv.